हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न इंग्लिश युवराज यूट्यूब चैनल। आपका लर्न इंग्लिश युवराज यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, टुडेज अवर टॉपिक इज चैप्टर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स, एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर एंड फिलअप। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Chapter 7 Getting to Know Plants Exercises First. Correct the following statements and rewrite them in your notebook. हमको ये statements को correct करना है और अपनी copy में लिखना है। A stem absorbs water and mineral from the soil. स्टेम जो है means जो तना है वह पानी और minerals को सोखता है मिट्टी से। आंसर, रूट्स एब्जर्व वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। रूट्स हैं, जड़ें हैं, वह पानी और मिनरल्स सोखती हैं सोइल से, मिट्टी से। बी, लीव्स होल्ड द प्लांट्स अपराइट। जो लीव्स हैं, पत्तियां हैं, वह प्लांट को, पौधे को खड़ा रखती हैं। आंसर, स्टेम होल्ड द प्लांट अपराइट। तना प्लांट को, पौधे को ऊपर रखता है। सी, रूट्स कंडक्ट वाटर टू द लीव्स। रूट्स जो हैं मीन्स जो जड़ें हैं वह पानी को लीव्स तक पहुंचाती हैं, पत्तियों तक पहुंचाती हैं। आंसर, स्टेम कंडक्ट्स वाटर टू द लीव्स। जो स्टेम है, तना है, वह पानी को लीव्स तक पहुंचाता है मीन्स पानी को पत्तियों तक पहुंचाता है। डी, द नंबर ऑफ पेटल्स एंड स्टेमन्स इन अ फ्लावर इज ऑलवेज इक्वल। जो नंबर है मीन्स संख्या है पीटल और स्टेमिन की एक फ्लावर में हमेशा इक्वल रहती हैं मीन्स समान रहती हैं। आंसर, द नंबर ऑफ पीटल्स एंड सेपल्स इन अ फ्लावर मीन नॉट ऑलवेज बी इक्वल। संख्या पीटल्स और सेपल्स की फ्लावर में, फूल में हमेशा इक्वल नहीं रहती मीन्स समान नहीं रहती। ई, इफ द सेपल्स ऑफ अ फ्लावर आर ज्वाइंड टुगेदर इट्स पीटल्स आर ऑल्सो ज्वाइंड टुगेदर। यदि एक सेपल फ्लावर का, फूल का मिला हुआ है साथ में, तो इसकी पीटल्स भी साथ में मिली हुई होंगी। आंसर, इफ़ द सेपल्स ऑफ अ फ्लावर आर जॉइंड टुगेदर इट्स पीटल्स आर सेपरेट एंड नॉट जॉइंड टुगेदर। यदि सेपल फ्लावर का, फूल का मिला हुआ है साथ में, तो इसकी पीटल्स अलग अलग होंगी ना ही, और वह जुड़ी नहीं होंगी। If the petals of a flower are joined together, then the pistil is joined to the petal. यदि एक पीटल, फूल का joined है साथ में, तो जो pistil होगी वह भी joined होगी petal से। Answer, if the petals of a flower are joined together, then the pistil is not necessarily joined to the petal. यदि एक pistil flower की petal flower की जुड़ी हुई है, तो pistil necessary नहीं है कि वह petal से join हो मीन्स जुड़ी हुई हो। Second, draw a leaf. B, a taproot and C, a flower. You have studied for table 7.3. हमको बनाना है एक लीफ, टैपरूट और एक फूल, जो कि आपने 7.3 टेबल में पढ़ा था। ए, लीफ मीन्स पत्ती, ये जो उसका बीच की लाइन होती है उसे हम मिडरिब कहते हैं, और जो आप मिडरिब से निकलती हुई लाइन से देख रहे हैं बहुत सारी, उन्हें हम वीन्स कहते हैं। बी, रूट्स, जड़ें। रूट्स जो ये आप नीचे जो जड़ें देख रहे हैं उन्हीं को हम रूट्स कहते हैं, तने के नीचे। सी, फ्लावर्स, सेपल्स, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ग्रीन कलर टाइप में, उसे हम सेपल्स कहते हैं, और जो पिंक पिंक पत्तियाँ हैं फूल की उन्हें हम पीटल्स कहते हैं। 3, कैन यू फाइंड अ प्लांट इन योर हाउस और इन योर नेबरहुड विच हैज़ अ लॉन्ग बट वीक स्टेम? राइट इट्स नेम, इन विच कैटेगरी विल यू प्लेस इट? क्या आप पाते हैं पौधे को आपके घर में या फिर किसी नेबरहुड में मीन्स आपके पड़ोस में जो लॉन्ग है, लंबा है, लेकिन उसके पास कमज़ोर तना है, इसका नाम लिखिए, किस कैटेगरी में आप इसको डालेंगे? आंसर, यस वी फाइंड अ मनी प्लांट इन माय नेबरहुड हाउस, इट्स अ क्लिम्बर। हाँ मैं पाता हूँ एक मनी प्लांट मेरे नेबरहुड हाउस में, मीन्स मेरे पड़ोस के घर में। यह एक क्लेम्बर है। फोर्थ, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अ स्टेम? स्टेम के फंक्शन क्या है? आंसर, फंक्शन ऑफ अ स्टेम। ए, कंडक्ट वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। स्टेम के फंक्शंस, कंडक्ट करना मीन्स ले जाना पानी और मिनरल्स को जड़ों से लीव्स तक, पत्तियों तक। बी, गिव सपोर्ट टू प्लांट्स, पौधों को सपोर्ट देना मीन्स पौधों को सहारा देना। सी, कंडक्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट, कंडक्ट करना ले जाना फूड को, खाने को पत्तियों से दूसरे प्लांट के पार्ट तक मीन्स पौधे के भाग तक। फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग लीव्स हैव रेटिकुलेट वेनेशन? इनमें से किन में रेटिकुलेट वेनेशन है? वीट, तुलसी, माइज, ग्रास, कोरिएंडर, धनिया, चाइना रोज। आंसर, तुलसी, कोरिएंडर, चाइना रोज। If a plant has fibrous root, what type of venation do its leaf have? यदि एक प्लांट के पास फाइब्रस रूट्स हैं तो इसका वेनेशन कैसा होगा, मीन्स इसके वेनेशन पत्तियों में कैसा होगा? आंसर, पैरेलल वेनेशन। सेवेंथ, if a plant has leaves with reticulate venation, what kind of roots will it have? यदि एक प्लांट लीव्स में रेटिकुलेट वेनेशन है तो इसके पास कौन सी रूट्स होंगी? आंसर, टैप रूट्स। एट, इट इज़ पॉसिबल फॉर यू टू फाइंड आउट वेदर अ प्लांट हैज़ टैप रूट और फाइब्रस रूट्स बाय लुकिंग एट द इम्प्रेशन ऑफ इट्स लीव ऑन अ शीट ऑफ पेपर। यदि यह पॉसिबल है, संभव है आपके लिए पाना, यदि एक प्लांट के पास टैप रूट है और फाइब्रस रूट्स है, उसके इम्प्रेशन को देखकर, उसकी लीव के इम्प्रेशन को देखकर, पत्तियों के देखकर, उस शीट के पेपर पर मीन्स पेपर की कागज की शीट पर। आंसर, यस इट इज़ पॉसिबल टू फाइंड वेदर अ प्लांट हैज़ टैप रूट और फाइब्रस रूट बाय लुकिंग एट द इम्प्रेशन ऑफ इट्स लीफ ऑन अ शीट ऑफ पेपर। हाँ, यह संभव है पाना कि एक प्लांट पे पौधे पे टैप रूट या फाइब्रस रूट्स है, उसकी लीफ को देखकर, पत्ती को देख कर, एक पेपर की शीट पर, कागज की शीट पर। नाइन्थ, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ फ्लावर? फ्लावर के पार्ट्स कौन से हैं? आंसर, पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। फर्स्ट सेपल्स, सेकेंड पीटल्स, थर्ड स्टेमन्स, फोर्थ अंदर, फिफ्थ ओवेरी, सिक्स्थ पिस्टल्स। टेंथ, फ्रॉम द फॉलोइंग प्लांट्स, निम्नलिखित पौधों में से विच ऑफ देम है फ्लावर्स? किन में फ्लावर्स होते हैं, फूल होते हैं? ग्रास, माइज, वीट, चिली, टोमेटो, तुलसी, पीपल, सीसम, बनियान, मैंगो, जामुन, गुआवा, पोमीग्रेनेट, पपाया, बनाना, लेमन, शुगर केन, पोटैटो, ग्राउंडनट। आंसर, चिली, टोमेटो, बनाना, तुलसी, जामुन, मैंगो, गुआवा, लेमन, पोमीग्रेनेट, पपाया। चिली, मिर्ची, टमाटर, केले, तुलसी, जामुन, आम, अमरूद, नींबू, अनार, पपीता। 11. नेम द पार्ट ऑफ प्लांट विच प्रोड्यूसेज फूड। नेम द प्रोसेस, हमें बताना है कि कौन सा प्लांट का पार्ट मीन्स पौधे का भाग फूड प्रोड्यूस करता है, उस प्रोसेस का नाम भी लिखना है। आंसर, लीव्स प्रोड्यूस फूड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। लीव्स जो हैं, पत्तियां जो हैं, वह फूड प्रोड्यूस करती हैं, इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। 12. इन विच पार्ट ऑफ अ फ्लावर यू विल फाइंड द ओवेरी? किस फ्लावर में, किस फूल के भाग में आप ओवेरी पाएंगे? आंसर, वी फाइंड द ओवेरी इन पिस्टल, हम ओवेरी को पिस्टल में पाएंगे। यह सबसे नीचे का हिस्सा होता है पिस्टल का। 13. Name two plants in which one has joined sepals and the other has separate sepals. हमें दो प्लांट मीन्स दो पौधों के नाम बताना है जिसपे जॉइंट सेपल्स होते हैं और दूसरे के पास सेपरेट सेपल्स होते हैं। आंसर, जॉइंट सेपल्स, रोज, लोटस। जॉइंट सेपल्स में रोज और लोटस मीन्स गुलाब और कमल। सेपरेट सेपल्स मीन्स अलग अलग सेपल्स। मस्टर्ड फ्लावर, चाइना रोज। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट इज द मिडरिब? मिडरिब क्या होता है? आंसर, अ थिक वीन इन द मिडिल ऑफ द लीफ इज कॉल्ड मिडरिब। एक थिक वेन, एक पतली वीन मिडिल में मीन्स बीच में लीफ के पत्ती के, उसे हम मिडरिब कहते हैं। सेकंड, व्हाट इज द लेमिना? लेमिना क्या है? आंसर, द ब्रॉड ग्रीन फ्लैट पार्ट ऑफ लीफ इज कॉल्ड लेमिना। जो ब्रॉड ग्रीन है मीन्स हरा फ्लैट पार्ट है पत्ती का, उसे लेमिना कहते हैं। क्वेश्चन थर्ड, व्हाट इज लीफ वेनिशन? लीफ वेनिशन क्या है? आंसर, द डिज़ाइन मेड बाय वीन्स इन आ लीफ इज कॉल्ड लीफ वेनिशन। डिज़ाइन जो कि वीन से बनी होती है लीफ में मीन्स पत्ती में, उसे लीफ वेनिशन कहते हैं। क्वेश्चन फोर, व्हाट आर वीन्स? वीन्स क्या होती हैं? आंसर, द लाइन्स ऑन द लीफ आर कॉल्ड वीन्स। जो लाइन्स लीफ पर दिखती हैं उन्हीं को वीन्स कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो है वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर 7 क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइज। ओके।